अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीपिका पादुकोण का मां बनने की खबरों पर रद्द अमल। नामवर अदाकारा दीपिका पादुकोण का मां बनने के हवाले से कहना है कि जब किस्मत में ये नेमत लिखी होती है तभी बच्चा दुनिया में आता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि शादी के बाद अक्सर खवातीन के मां बनने से मुतालिक सवाल शुरू हो जाते हैं, चंद रोज कब्ल अदाकारा अनुष्का शर्मा के बारे में भी मीडिया में अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो मां बनने वाली हैं। ताहम उन्होंने इन अफवाहों की तरदीद कर दी थी। आपने इस तरह की अफवाहों का किस तरह सामना करने की मनसूबाबंदी की है? इस सवाल के जवाब में दीपिका ने कहा, ईमानदारी की बात है, मुझे नहीं लगता इस तरह की अफवाहों का सामना किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की खबरें सच होती हैं और लोग आपके कुछ कहने से कबल ही अंदाजे लगा लेते हैं और कई बार इस तरह की खबरें सच नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि इन अफवाहों का सामना करने का कोई तरीका है। दौरान इंटरव्यू दीपिका ने कहा कि जब मां बनने का वक्त होगा तो ये भी हो जाएगा। हर शादीशुदा जोड़ा बच्चे की ख्वाहिश रखता है और जब किस्मत में ये नेमत लिखी होती है तभी बच्चा दुनिया में आता है। हाँ, एक दिन ये ज़रूर होगा, लेकिन मुझे लगता है हमें बार बार ख्वातीन या शादीशुदा जोड़े से इस किस्म के सवालात नहीं पूछने चाहिए। मुझे लगता है जिस दिन हम इस तरह के सवालात पूछना बंद कर देंगे वही वक्त तब्दीली का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।